आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रास ऊपर में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, वो किस किस टाइप के स्टिमुलस को या एनवायरमेंटल सिग्नल को रिसीव करते हैं। सेंस ऑर्गन्स के बाद हम स्टडी करेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास ऊपर, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कौन सी नहीं है। लेटर ऑन हम उसकी डेवलपमेंट के बारे में, देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रास ऑफर, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसमें हार्मफुल इम्पैक्ट या एक्टिविटीज है, देन हम कंट्रोल ऑफ ग्रास ऑफर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सेंस ऑर्गन की। सेंस ऑर्गन में सबसे पहले टैक्टाइल ऑर्गन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टैक्टाइल ऑर्गन टच के लिए। ये वेरियस टाइप्स के टच सिग्नल को रिसीव करेंगे। इन टेक्टाइल ऑर्गन्स में इसके एंटीने जो आपको फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, ये एंटीने, ये टेक्टाइल्स ऑर्गन है। सेकंड, इसमें पल्प्स, जो माउथ पार्ट्स में पल्प्स प्रेजेंट थे याद करो, वो पल्प भी एक टाइप के टेक्टाइल ऑर्गन्स हैं। देन लोअर पार्ट्स ऑफ लेग, जो इसकी लेग्स हैं, ये इन लेग्स के जो लोअर पार्ट्स हैं ये भी एक टाइप के टेक्टाइल ऑर्गन्स हैं। ये तीनों टच के लिए सेंसिटिव हैं, टच के सिग्नल को रिसीव करेंगे। सेकेंड टाइप्स ऑफ ऑर्गन की बात करें तो वो है ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन। हमें पता चलता है ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन में क्या काम होते हैं, जो स्मेल के लिए हो। तो इसके पास जो ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन, वो एंटीने हैं। एंटीने इसका मतलब दोनों काम कर रहे हैं, इसके एंटीने टैक्टाइल भी हैं, इसके एंटीने ऑल्फैक्ट्री भी हैं। ये टच को भी सेंस करते हैं और ये स्मेल को भी सेंस करते हैं। ये केमिकल जो फूड पार्टिकल्स हैं या फ्रेग्रेंस पार्टिकल हैं उनको सेंस करेंगे। नेक्स्ट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं सेंस ऑर्गन्स, वो है गैस्टेटरी ऑर्गन्स। नाम से पता चल रहा है ये गैस्टेटरी ऑर्गन टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मेनली माउथ पार्ट्स में प्रेजेंट है, और माउथ पार्ट्स में अगर अगर हम देखें तो इसके जो पल्प्स थे, यहाँ पे देखो इस फोटोग्राफ में, अपर फोटोग्राफ में ये जो पल्प्स है, ये पल्प्स ही इसके और गैस्टेटरी ऑर्गन है। ये टेस्ट को सेंस करेंगे, बताएंगे इसको कि फूड इटेबल्स खाने लायक है या नहीं है। देयर पल्प एक्ट एज गैस्टेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑडिटरी ऑर्गन्स की, तो नाम से पता चल रहा है ऑडिटरी ऑर्गन्स मीन्स जो ऑर्गन्स साउंड वेव को रिसीव कर रहे हैं, जो साउंड को सुनने में हेल्प करें, उनको बोलेंगे ऑडिटरी ऑर्गन। और इसमें अगर हम ऑडिटरी ऑर्गन देखें तो क्या प्रेजेंट है, देयर इज पेयर्ड ऑडिटरी ऑर्गन प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। जैसे अगर हम एक फोटोग्राफ में देखें, इस फोटोग्राफ में देखें तो जो इनका फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, इस फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट की लेटरल साइड पे ऑडिटरी ऑर्गन है। आप अदर एनिमल्स में देखो, ह्यूमंस में देखो, अदर मैमल्स में देखो, बर्ड्स में देखो, रेप्टाइल्स में या इनमें फ्रॉग्स में देखो, तो ऑडिटरी ऑर्गन हेड रीजन में होते हैं। बट ग्रास ऑफर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऑडिटरी ऑर्गन फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में, हेड रीजन में ना होके, थोरेक्स रीजन में भी ना होके, जो ऑडिटरी ऑर्गन्स है वो एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है पेयर फॉर्म में, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ये फोटोग्राफ है इसके ऑडिटरी ऑर्गन का, आपकी बुक में भी सेम है, आपकी बुक से लिया हुआ ये डायग्राम है। इस ऑडिटरी ऑर्गन में क्या क्या प्रेजेंट है, एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये देखो ये बाहर की तरफ एक रिंग है, इसको काइटनस रिंग बोलते हैं, बाहर की तरफ एक रिंग विच इज नोन एज काइटनस रिंग। इसी काइटनस रिंग के साथ प्रेजेंट है ये एक मेम्ब्रेन जिसको नाम देंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। देयर इज अ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन विच इज स्ट्रेच्ड ओवर काइटनस रिंग। इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की इनर साइड पे देखें तो इसकी इनर साइड पे ऑडिटरी अपरेटस प्रेजेंट है, ये जो दिख रहा है ना दिस वन, ये ऑडिटरी अपरेटस है, इसको मुलर ऑर्गन का नाम भी देते हैं। और इसी ऑडिटरी ऑर्गन या ऑडिटरी अपरेटस की इनर साइड से देखो एक नर्व अराइज हो रही है जो आगे इसके नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी। इस नर्व को ऑडिटरी नर्व का नाम दे देंगे, और ये ऑडिटरी नर्व किसके साथ कनेक्टेड है, इनके नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, मेटाथोरेसिक गैंग्लिया के साथ कनेक्टेड होती है। थोरेक्स रीजन में तीन गैंग्लिया थे, प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मीजोथोरेसिक गैंग्लिया और मेटाथोरेसिक गैंग्लिया। मेटाथोरेसिक गैंग्लिया के साथ ये नर्व कनेक्टेड होती है,
किस तरह से ये इसका डिट्रीवर करें। फंक्शन इसका सबको पता है, क्या फंक्शन करेगा ये? साउंड वेव को रिसीव करेगा, जो डिफरेंट डायरेक्शन से आएगी उनको कलेक्ट करेगा और उसका जो सिग्नल है वो आगे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन ऑफ साइट, नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन है ऑर्गन ऑफ साइट, जिसमें मेन दो ऑर्गन्स है, एक कंपाउंड आइज और एक ओसिलाई। इस फोटोग्राफ्स में दोनों दिख रहे हैं। इसमें देखो ये जो लार्ज साइज का डार्क कलर का ऑर्गन दिख रहा है, ये इसका कंपाउंड आई है। इनके अंदर सिंपल आई नहीं होती, कंपाउंड आई होती है। मीन्स एक आई फर्दर छोटे छोटे सेगमेंट, फर्दर स्मॉल सब यूनिट से मिलके बनी हुई है। इन सब यूनिट्स को हम ओमेटेरियम का नाम देंगे, भी आगे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। मीन्स ईच आई इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंपाउंड आई। और इसके साथ साथ देखें, आप इस फोटोग्राफ में देखो, यहाँ पे आपको हेड रीजन, जो इसका फ्रोन है, फ्रंट रीजन, जो माथे वाला एरिया, फ्रोन्स एरिया, वहाँ पे तीन डार्क स्पॉट दिख रहे हैं, रेड कलर के तीन डार्क स्पॉट। इनको बोलते हैं ओसिलाई। जो मेन आईज हैं, कंपाउंड आईज जिनको हमने नाम दिया है, ये वाले, ये मेन आईज तो विजुअल देखने में हेल्प करेंगे, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ये दोनों मेन आईज। बट ये जो ओसिलाई हैं, जो फ्रॉन्स पे प्रेजेंट है, ये देखने में हेल्प नहीं करेंगे, बट ये फोटो सेंसिटिव है, ये लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करेंगे। लाइट डिम है, ज्यादा है, दिन है, रात है, उसको सेंस करने के लिए ओसिलाई, और इमेज फॉर्मेशन के लिए कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। पहले हम कंपाउंड आइज की बात करते हैं। अगर हम कंपाउंड आइज में देखें तो मैंने अभी आपको बताया, ईच कंपाउंड आई इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, और इन स्मॉल सब यूनिट को हम ओमेटेरियम का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कंपाउंड आई पे आपको छोटे छोटे हेक्सागोनल चैम्बर से दिखेंगे। इस फोटोग्राफ में भी हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे स्पॉट से। अगर एनलार्ज करके देखें तो जो स्मॉल स्पॉट्स हैं, ये हेक्सागोनल चैम्बर्स हैं, जो इस डायग्राम में दिख रहे हैं, हेक्सागोनल चैम्बर्स। इन हेक्सागोनल चैम्बर्स को हम फेसेट्स का नाम देते हैं, FACETS, फेसेट्स। आप अपनी बुक साथ लेके बैठो, आपको साथ समझ भी आता जाएगा, और बाद में जब आप रीड करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो किस पेज पे है। ईच कंपाउंड हैविंग कंपाउंड आइज हैव अ नंबर ऑफ हेक्सागोनल चैम्बर्स फेसेट्स। ईच फेसेट को देखो, अंदर एक स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ओमेटेरियम। जितने फेसेट्स होंगे बाहर, उतने ही अंदर ओमेटेरियम प्रेजेंट होंगे। ओमेटेरियम इसके फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन्स है, जो लाइट वेव्स को आगे एक तरह से कैप्चर करेंगे और आगे नर्व के थ्रू ब्रेन तक सेंड करेंगे। फिर से इसको स्टडी करते हैं। मैंने बताया बाहर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं फेसेट, अंदर क्या प्रेजेंट है ओमेटेरियम, ये बाहर वाले हेक्सागोनल चैम्बर फेसेट्स हो गए, और ये अंदर जो सब यूनिट्स हैं इनको ओमेटेरियम का नाम देते हैं। हम एक ओमेटेरियम को एनलार्ज करके देख रहे हैं, ये जो फोटोग्राफ है इसमें हम एक ओमेटेरियम को एनलार्ज करके देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं कि उसके अंदर फर्दर क्या क्या कंपोनेंट है। तो इस ओमेटेरियम में देखें दो मेन कंपोनेंट है, एक तो ये इसका एंटीरियर पार्ट, इस एंटीरियर पार्ट को नाम देंगे डायोप्टिक रीजन या फोकसिंग रीजन, और एक ये पोस्टीरियर पार्ट। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको हम नाम देंगे रिसेप्टिव रीजन। ये एंटीरियर छोटा पार्ट, इसको डायोप्टिक रीजन, और जो पोस्टीरियर लॉन्गर पार्ट है इसको हम रिसेप्टिव रीजन का नाम देंगे। पहले डायोप्टिक रीजन में देखते हैं, ये जो रीजन है अप टू दिस, जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है, अप टू दिस इट इज डायोप्टिक रीजन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? एक लेंस प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंट सा लेंस, सभी के लेंस मिलके उनको नाम देते हैं कॉर्निया। सिंगल ओमेटीडियम में हम इसको नाम देंगे लेंस, और सबके लेंस को कलेक्टिवली हम क्या नाम देंगे? कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये लाइट को आगे पास करने में यूज होगा। इसके जस्ट बिलो दो सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो आप दो डार्क से स्पॉट दिखेंगे आपको, टू सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, इनको कॉर्निएजन सेल्स का नाम देंगे। जस्ट बिलो कॉर्निया देयर आर टू कॉर्निएजन सेल्स। देन एक ट्राइंगुलर सी कोन है इन कॉर्निएजन सेल्स के जस्ट बिलो ट्राइंगुलर कोन, जिसको हम क्रिस्टलाइन कोन का नाम देंगे। दिस क्रिस्टलाइन कोन फर्दर सराउंडेड बाय सेवन सेल्स, यहाँ पे फिर से सेल्स प्रेजेंट है,
फोर सेल्स प्रेजेंट है। इन फोर सेल्स को हम नाम देंगे कोन सेल्स। क्या क्या देखा हमने अभी? सबसे बाहर की तरफ लेंस, देन टू स्पेशल सेल्स जिनको हमने नाम दिया कॉर्निएजन सेल्स, कॉर्निएजन सेल्स के बिलो क्रिस्टलाइन कोन, और क्रिस्टलाइन कोन को सराउंड कर रहे हैं कोन सेल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये मिलकर बना रही है इसका डायोप्टिक पार्ट, जो लाइट को आगे पास करेगा। किस तक पास करेगा? लोअर पार्ट तक। इस लोअर पार्ट को हमने नाम दिया रिसेप्टिव ऑर्गन। अब इसी रिसेप्टिव ऑर्गन को देखते हैं। इस रिसेप्टिव ऑर्गन में बिल्कुल सेंटर में हमें एक रोड लाइट स्ट्रक्चर दिख रही है। देखो आप समझ, आपको ब्लू से कलर में, लाइट ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में एक रोड लाइट स्ट्रक्चर दिख रही है। इस रोड लाइट स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे रेबडम। बिल्कुल सेंटर में स्काई ब्लू कलर में रोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रेबडम, वो प्रेजेंट है। रेबडम को सराउंड कर रहे हैं स्पेशल सेल्स जिनको हम नाम देंगे रेटिन्यूल सेल्स। देयर आर सेवन सेल्स ये देखो जो सराउंड कर रहे हैं, इनके पास ये पर्पल कलर का न्यूक्लियस है। ये सेल्स का नंबर सेवन है, ये रेबडम को सराउंड कर रहे हैं, इनको नाम देते हैं रेटिन्यूल सेल्स। इनको रिसेप्टर सेल्स भी बोल सकते हैं, रेटिन्यूल सेल्स भी बोल सकते हैं। और इनको फर्दर सराउंड करने के लिए ये जो पिंक कलर के सेल्स प्रेजेंट है बाहर की तरफ, इनको हम नाम देंगे रिसेप्टिव सेल या फोटो रिसेप्टिव सेल या पिगमेंट सेल का नाम दे देंगे। दे यार पिगमेंट सेल्स, इनके पास क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो तीन मेन कंपोनेंट है यहाँ पे। सेंटर में रोड रैबडम जिसको सराउंड करने के लिए सेवन सेल्स, जिनको रेटिनल सेल्स, और रेटिनल सेल्स को फर्दर सराउंड कर रहे हैं यहाँ पे क्रोमेटोफोर जिनको फोटोरिसेप्टिव सेल्स का नाम दे रहे हैं। तो क्या होगा? जो डायोप्टिक पार्ट था अपर वाला पार्ट, वो लाइट को फोकस करेगा लोअर पार्ट पे जिसको हमने रिसेप्टिव ऑर्गन नाम दिया। लोअर पार्ट में रिसेप्टिव सेल्स है, वो लाइट को सेंस करेंगे, एक सिग्नल जनरेट करेंगे, और वो सिग्नल इन नर्व्स के थ्रू, ये लोअर पार्ट में देखो नर्व्स है यहाँ पे, दो इन नर्व्स के थ्रू वो सिग्नल आगे सप्लाई किया जाएगा नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, जो इमेज को सेंस करेगा। इनके अंदर इमेज फॉर्मेशन स्पेशल टाइप का, नॉर्मल टाइप का इमेज फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम इनकी आईज की वर्किंग देखें तो ईच जो ओमेटेडियम है, ईच ओमेटेडियम फॉर्म इमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ओमेटेडियम एक ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक छोटे से पार्ट की इमेज बनाएगा, सारे मिलके कंप्लीट इमेज बनाएंगे। जैसे ये ओमेटेडियम है, ये सिर्फ एक पार्ट की इमेज बनाएगा, इसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा मेटीरियल दूसरे पार्ट की इमेज बनाएगा, तीसरा तीसरे की इमेज बनाएगा। इस तरह से जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं मोजाइक, और जो विजन है इसको नाम देते हैं मोजाइक विजन। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारी आईज में फर्दर सब पार्ट्स नहीं है, सिंगल आई है, सिंगल इमेज बनेगी। बट इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स की इमेज बनती है, वो छोटे छोटे पार्ट्स की इमेज को बोलते हैं मोजाइक विजन, मोजाइक इमेज जो आगे नर्वस सिस्टम को सेंड की जाएगी। विजन में दो टाइप का है, लाइट के अंदर डे टाइम में विजन कुछ अलग टाइप का होगा, रात के टाइम नाइट में जब डे लाइट कम होगी तो जो विजन है इमेज फॉर्मेशन कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। पहले हम डे टाइम में देखते हैं। डे टाइम में जो विजन होता है उसको एपोजिशन या मोजाइक विजन का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? एपोजिशन या मोजाइक विजन का नाम देंगे। ये तब होगा जब लाइट सफिशियंट है। कब होगा? जब ये लाइट क्या है, सफिशियंट अमाउंट में लाइट है, उस टाइम होगा। अब देखो लाइट ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो आयरिस या पिगमेंट सेल होते हैं ये एक्सपेंड कर जाते हैं। देखो ये जो डार्क कलर के दिख रहे हैं फोटोग्राफ में, ये आयरिस या पिगमेंट सेल है, ये एक्सपेंड कर गए। इनके एक्सपेंड करने से एक ओमेटेरियम दूसरे से कट ऑफ हो गया, सेपरेट हो गया। इसका फायदा क्या हुआ, जो रेडिएशंस, जो लाइट रेज स्ट्रेट जा रही हैं वो तो रेबडम तक पहुंचेंगी, जो ओब्लिक जा रही है वो रेबडम तक नहीं पहुंचेगी। इसमें भी देखो सिर्फ स्ट्रेट लाइट पहुंच रही है, जो ओब्लिक थी वो नहीं पहुंच रही। ओब्लिक को आयरिस पिगमेंट सेल एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो स्ट्रेट लाइट तो पहुंच रही है रेबडम तक, ओब्लिक लाइट नहीं पहुंच रही। तो एज ए रिजल्ट जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल शार्प होगी, क्लियर होगी। यहाँ पे ओब्लिक लाइट इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रही, तो इमेज ब्लर नहीं होगी। अगर ये ओब्लिक लाइट्स भी एंटर करेंगी तो इमेज ब्लर हो जाएगी।
पे स्ट्रेट लाइट जा रही है, ऑब्लिक लाइट को आयरिस एब्जॉर्ब कर रहा है, इमेज शार्प बनेगी, बिल्कुल क्लियर बनेगी। ऐसी इमेज को हम नाम देंगे एपोजिशन या मोजाइक इमेज का नाम देंगे, एपोजिशन या मोजाइक इमेज। वहीं अगर नाइट टाइम में देखें तो नाइट टाइम में मैंने आपको बताया लाइट कम होती है, लाइट कम होने से जो आयरिस या पिगमेंट सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करके तो छोटे हो जाएंगे। देखो इसमें वो पिगमेंट सेल एक्सपेंड कर रहे थे तो बड़े हो गए, इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो डार्क रीजन क्या हो गया, देखो छोटा हो गया। अगर डार्क रीजन स्मॉल हो गया तो स्ट्रेट लाइट तो रेबडम तक पहुंचेगी, जो ओब्लिक लाइट थी देखो ओब्लिक लाइट भी रेबडम तक पहुंच रही है, स्ट्रेट के साथ साथ ओब्लिक लाइट भी रेबडम तक पहुंच रही है। एज ए रिजल्ट जो इमेज बनेगी वो ब्लर बनेगी, उनको पता तो चल जाएगा कि आसपास कुछ है बट क्या है, इमेज क्लियर नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा बट पता चल जाएगा आसपास कोई एनिमी फूड कुछ है। इस टाइप की इमेज को हम सुपर पोजिशन इमेज का नाम देंगे। डे टाइम में एपोजिशन या मोजाइक विजन, इमेज क्लियर शार्प बनेगी, सिर्फ स्ट्रेट लाइट इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। नाइट टाइम में आयरिस कॉन्ट्रैक्ट कर देगा स्ट्रेट लाइट के साथ, ऑब्लिक लाइट भी देखो रेबडम तक पहुंच रही है, इमेज ब्लर बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी, इसको सुपर पोजिशन इमेज का नाम देंगे। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछना हो? नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फोटो सेंसिटिव ऑर्गन, जिसको हमने नाम दिया था ओसिलाई। मैंने आपको पहले बताया था देखो यहाँ पे ये जो डार्क रेड कलर के स्पॉट्स हैं फ्रोन में, बिल्कुल फ्रंट में, इनको ओसिलाई का नाम देते हैं। ये नंबर में कितने थे? ये 3 है, जिनमें से दो तो देखो 2 आर लेटरल प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एंटीने एंड 1 इज मीडियम। दो लेटरल हैं एंटीने के बेस पे प्रेजेंट है और 1 मीडियम है। अगर हम इस ओसिलाई की स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करें, इसको एक्सपेंड करके लार्ज करके देखें, तो इसमें एक तो लेंस प्रेजेंट है, दिस वन लेंस, देन लोअर साइड पे एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ये जो सिंगल सेल क्लियर दिख रही है दिस इज एपिडर्मिस, और उसके बिलो अगर हम देखें तो फोटो रिसेप्टिव सेल्स प्रेजेंट है। 3 ही मेन कंपोनेंट है यहाँ पे। फर्स्ट जो ब्राउन कलर का दिख रहा है दिस इज लेंस, जो ग्रीनिश कलर का दिख रहा है लेंस, देन एपिडर्मिस एंड फोटो रिसेप्टिव सेल्स। मैंने आपको पहले बताया था ओसिलाई इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते, ओसिलाई सिर्फ लाइट इंटेंसिटी को सेंस करते हैं, लाइट डिम है, ज्यादा है, कम है, उसको सेंस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्रास ऊपर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको मैंने बताया था ये डायोसियस होते हैं, मेल फीमेल यहाँ पे सेपरेट होते हैं। क्लियरली हम बता सकते हैं डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मेल इंडिविजुअल के क्या करेक्टर है, फीमेल के क्या करेक्टर है। पहले हम मेल इंडिविजुअल में देखते हैं, अगर मेल इंडिविजुअल में देखें तो देर इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस, देखो यहाँ पे ये टेस्टिस प्रेजेंट है, ये हमें सिंगल टेस्टिस लग रहा है बट एक्चुअली में ये फ्यूज टेस्टिस है, एक इनमें लेफ्ट है एक इनमें राइट है, दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर हम टेस्टिस में देखें, पोजीशन देखें तो ये एब्डोमन के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के जस्ट अबाउट, एब्डोमन के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है। इनके अंदर फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल्स के पास जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है, वहाँ पे मियोसिस हो रही है, गैमेट फॉर्मेशन चल रही है। ईच टेस्टिस से एक डाउनवर्ड देखो डक्ट राइज हो रही है, जिस डक्ट को हम नाम देंगे वासा डिफरेंशिया, एक लेफ्ट टेस्टिस से राइज होगी एक राइट टेस्टिस से राइज होगी, वासा डिफरेंशिया ये गैमेट्स को कैरी करेंगे, दोनों वासा डिफरेंशिया आपस में ज्वाइन करेंगे, ओपन करेंगे कॉमन डक्ट में, जिसको नाम देंगे हम इजेकुलेटरी डक्ट। ये जो कॉमन डक्ट है जहाँ दोनों के वासा डिफरेंशिया ओपन कर रहे हैं, इसको नाम देंगे हम इजेकुलेटरी डक्ट। ये इजेकुलेटरी डक्ट आगे कनेक्टेड है पेनिस के साथ, जो बाइलोब्ड है, इसमें बाइलोब्ड दिख रहे हैं, टू लोब्स प्रेजेंट है पेनिस के, तो इसका पर्पज गैमेट्स को आगे ट्रांसफर करने में होगा। वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली में सिंगल नहीं है, वन पेयर है, एक लेफ्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है, इनको सेमिनल वेसिकल का नाम देते हैं। ये पार्शियल टाइम के लिए मेल गैमेट्स को स्टोर करेंगे, जो मेल गैमेट वासा डिफरेंशिया से इजेकुलेटरी डक्ट में पहुंचे वो एक्चुअली सेमिनल वेसिकल्स में कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएंगे, तो वन पेयर ऑफ यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स भी प्रेजेंट है।
सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया, सिंगल पेनिस प्रेजेंट है, बाइलोब्ड है, प्लस यहाँ पे वन पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स है। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दीज आर एसेसरी ग्लैंड्स, ये स्पेशल टाइप की सीक्रेशन रिलीज करेंगी जो मेल गैमेट्स को एक्टिवेट करने में रोल प्ले करेगी, फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने में वो सीक्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस टाइप से ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर से बता रहा हूँ, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल मेल गैमेट को स्टोर करने के लिए, सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट एंड सिंगल पेनिस फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। वहीं अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ ओवरीज, ये जो आपको ओब्लिक सी स्ट्रक्चर दिख रही है, दीज आर ओवरीज, वन पेयर, एक लेफ्ट ओवरी एक राइट ओवरी। ईच ओवरी में अगर हम देखें तो आपको कुछ ओब्लिक ट्यूब्स ही दिख रही हैं, दीज ओब्लिक ट्यूब्स आर नोन एज ओवेरियोल्स, इनको ओवेरियोल्स का नाम देते हैं। एक्चुअली में इन्हीं ट्यूब्स के अंदर एग्स ड्यूअल पोर है, ठीक है, यहाँ पे सीरीज ऑफ एग्स है जो अलग अलग स्टेजेज में ड्यूअल पोर है। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे ओवेरियोल्स का जो डायमीटर है, साइज है, वो इंक्रीज होता जाएगा, अपवर्ड जाएंगे तो इनका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दोनों ओवेरियोल से एक एक डक्ट राइज होगा जिसको हम ओविडक्ट का नाम देंगे। देखो यहाँ पे भी पोस्टीरियर एंड से एक डक्ट, ओविडक्ट, लेफ्ट साइड से ओविडक्ट, राइट साइड से ओविडक्ट, दोनों पे दोनों ओविडक्ट आपस में ज्वाइन करेंगे, ओपन करेंगे वेजाइनल रीजन में। एक बात और, जो ये ओवेरियोल्स हैं, जो ओब्लिक डक्ट्स हैं, इनका जो पोस्टीरियर एंड है, मैंने आपको बताया ये वाइड होता है, यहाँ पे स्पेशल टाइप की ग्लैंडुलर सीक्रीशन रिलीज होती है जो एग के अराउंड एक शेल बनाएगी जिसको एग शेल बोलेंगे, प्रोटेक्टिव एग शेल। वो एग शेल के पास एक पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल का नाम देते हैं, जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होंगी ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन वगैरह या गैसेज एक्सचेंज में हेल्प मिल सके। देन वन पेयर ऑफ ओविडक्ट जो ओवरी से अराइज हो रही है, दोनों ओविडक्ट ओपन करेंगे वेजाइनल रीजन में, वेजाइनल रीजन बाहर ओपन करेगा एक अपर्चर से जिसको हम नाम देंगे फीमेल जेनिटल अपर्चर। प्लस यहाँ पे वन सिंगल स्पर्मेथिका भी प्रेजेंट है, स्पर्मेथिकल रिसेप्टिकल का नाम भी दे सकते हैं, जो मेल से गैमेट फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर होंगे, वो इन्हीं रिसेप्टिकल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो एक पाउच है, यहाँ पे गैमेट स्टोर हो जाएंगे पार्शियल टाइम के लिए, और जैसे ही इधर से एग आएंगे वेजाइनल रीजन में एग पहुंचेंगे इधर से मेल गैमेट, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। मीन्स फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। प्लस वन पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड, आप देखो ये जो ओवरीज है इनके बिल्कुल एंटीरियर रीजन पे वन पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जिनकी सिक्रीशन फीमेल गैमेट्स को लुब्रिकेट करने में, आपस में अटैच करने में रोल प्ले करेगी। फिर से देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल वजाइनल रीजन, वन पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स एंड स्पर्मेटिकल रिसेप्टिकल या सेमिनल रिसेप्टिकल जो मेल गैमेट को स्टोर करेगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में देखें तो किसी को पूछना है कुछ, क्या चीज, क्लोइकल रीजन, क्लोइकल रीजन नहीं इनके अंदर, आप बोलोगे ओपनिंग का नाम देंगे ना, यहाँ यहाँ पे वेजाइनल रीजन ओपन कर रहा है, फीमेल जेनिटल ओपनिंग का नाम देंगे, ठीक है, क्लोइकल रीजन भी ओपन करेगा बट एक टाइम पे तो ये सेपरेट होगा। आप ऐसे कह सकते हो इसका वजाइनल रीजन क्लोइकल रीजन के, हेलो, हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नहीं, इनके अंदर जेनिटल ओपनिंग अलग होती है और एनल रीजन की ओपनिंग अलग होती है, ये ध्यान रखना। आप, आपके पास बुक है, बुक में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाओ,
डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको और क्लियर हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि जो इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो अलग जगह पे ओपन कर रहा है और जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग जगह पे ओपन कर रहा है। टू सेपरेट ओपनिंग होती है इनके अंदर, जेनिटल ओपनिंग अलग होती है और एनल रीजन अलग होता है। ठीक है, वहां पे आप देखोगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करोगे उसमें डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इनके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में अगर हम देखें तो ये ब्रीडिंग बिहेवियर या पॉपुलेशन कब शो करते हैं? लेट समर सीजन में ब्रीडिंग बिहेवियर शो करेंगे, जिसमें मेल अपने पेनिस की हेल्प से फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट्स को ट्रांसफर करेगा, फीमेल उसको रिसेप्टिकल में स्टोर कर लेगा। देन जैसे ही एग वेजाइनल रीजन से पास होंगे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एग लेइंग की बात करें तो जो फीमेल है, यहाँ पे आप देखो इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, वो सोयल के अंदर ओब्लिक बरो बनाएगी, ओब्लिक ट्यूब्स ही बनाएगी और इन ट्यूब्स के अंदर एग ले करेगी। ईच ट्यूब में लगभग 20 के आसपास एग ले किए जाएंगे। सिंगल फीमेल 200 तक एग ले कर सकती है, बट एक स्लॉट के अंदर सिर्फ 10 एग ही होंगे। अगर वो 200 एग्स ले करती है, इट मीन्स उसको 10 लॉट्स बनाने पड़ेंगे। तो एग्स आपस में स्टिकी होते हैं, एक्सक्रीशन की हेल्प से आपस में चिपके रहेंगे, अटैच रहेंगे। लेट समर सीजन में ये ब्रीडिंग शो करते हैं और लेट समर सीजन में ये सॉइल के अंदर एग ले करेंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो लगभग 3 वीक्स तक चलेगी। देन क्योंकि लेट समर सीजन में ब्रीडिंग शो कर रहे हैं तो उसके जस्ट बाद विंटर सीजन शुरू हो जाएगा। जैसे ही 3 वीक्स तक इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, उधर से विंटर सीजन शुरू हो जाएगा। देन इनकी डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी। विंटर सीजन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टॉप रहेगी, रुकी रहेगी। उसको हम रेस्टिंग पीरियड या डायपोज का नाम देते हैं। एक नंबर पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज रेस्टिंग पीरियड, व्हाट इज डायपोज। ये लगभग सभी इंसेक्ट्स में यही मिलता है। लेट समर सीजन में ब्रीडिंग शेप शो करते हैं, विंटर सीजन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाएगी, जो एम्ब्रियो है डायपोज में चली जाएगी। जैसे ही विंटर सीजन खत्म होगा, वापस समर सीजन शुरू होगा, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वापस प्रोसीड करेगी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो एग हैच आउट होगा एक छोटे से निम्फ के अंदर। इनके अंदर लार्वा नहीं है, इनके अंदर निम्फ है। कैटरपिलर या लार्वा ना होके इनके अंदर क्या होता है, निम्फ होता है। इस फोटोग्राफ में आपको दिख सकता है, ये जो छोटा सा यंग वन है, दिस स्मॉल यंग वन इज निम्फ। निम्फ और अडल्ट में बहुत डिफरेंस है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डिफरेंस है। ये जो निम्फ है ये साइज में स्मॉल है एज कम्पेयर टू अडल्ट। निम्फ में विंग्स नहीं होते, अडल्ट में विंग्स होते हैं। दो डिफरेंस, पहला आप ये निम्फ का साइज स्मॉल है, अडल्ट का साइज लार्ज है। निम्फ में विंग्स नहीं है, अडल्ट के अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। टाइम के साथ इसके अंदर विंग्स डेवलप हो जाएंगे, साइज इसका इंक्रीज होगा। 4 to 5 टाइम इसमें मोल्टिंग होगी। जो बॉडी के ऊपर स्क्लेराइट्स प्लेट्स होती है एक्सोस्केलेटन की, वो टाइम टू टाइम शेड होती रहती है, मोल्टिंग शो करती रहती है। और फाइनली 5 टाइम्स मोल्टिंग के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, अडल्ट में चेंज होगा। इसका निम्फ बहुत एक्टिव होता है, वो वोरेसियस फीडर है। बड़ी तेजी से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या जो लीव्स होते हैं हमारी क्रॉप्स के, उनको डैमेज करता है, उन पे फीड करता है। देन 4 to 5 टाइम मोल्टिंग के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, अडल्ट में चेंज हो जाएगा। लार्वा स्टेज नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट या ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस का नाम दे सकते हैं। सिंपल या ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस का नाम भी दे सकते हैं। 4 to 5 टाइम यहाँ पे एक डाइसिस या मोल्टिंग होगी। जो एक्सोस्केलेटन है वो शेड किया जाएगा। क्यों शेड किया जाएगा, देखो इनिशियली यंग वन का साइज छोटा था तो उस पे एक्सोस्केलेटन भी क्या होगा, छोटा होगा। टाइम के साथ यंग वन का साइज इंक्रीज होगा, बट एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग है, उसका साइज इंक्रीज नहीं होता। ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज हो गया है, एक्सोस्केलेटन छोटा रह गया है। इस वजह से एक्सोस्केलेटन को क्या किया जाएगा, शेड ऑफ किया जाएगा, फिर नया एक्सोस्केलेटन बनाया जाएगा। फिर ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज हो जाएगा, एक्सोस्केलेटन फिर छोटा रह जाएगा, उसको फिर शेड ऑफ किया जाएगा। इस शेड ऑफ के प्रोसेस को मोल्टिंग का नाम देते हैं, जो 5 to 6 टाइम होगी और फाइनली ये किसमें चेंज हो जाएगा, अडल्ट में चेंज हो जाएगा।
देन इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो क्या इसके बेनिफिशियल एक्टिविटी या इसके हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है? इसमें हार्मफुल इम्पैक्ट तो सबसे ज़्यादा यही है कि ये हमारी क्रॉप्स को डैमेज कोज करता है, ये वेजिटेबल्स या उनके जो लीव्स हैं उनको डैमेज कोज करता है। बेनिफिशियल एक्टिविटी में बहुत सी जगह पे लोग इनको एज ए फूड खाते हैं, आपने देखा होगा चाइना के अंदर, जापान, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में भी कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ लोग ग्रास ऑपर को एज ए फूड यूज़ करते हैं। इसको फिश कैप्चरिंग में बेट की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसको बहुत से इंसेक्ट भी खाते हैं, ये खुद भी एक इंसेक्ट है, इसके ऊपर प्रीडेटरी इंसेक्ट भी फीड करते हैं, स्पाइडर इसको खा जाते हैं, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बहुत से मैमल इन पर फीड करते हैं। कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं? इनको हम नेचुरल वे में कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरल वे में कैसे? जो फार्मर्स हैं वो सॉइल के अंदर टिलिंग करते हैं, हल चलाते हैं, जिससे सोयल में जो इनके एग्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज करेंगे, डेड हो जाएंगे, कुछ को बर्ड्स खा जाएंगे और इंसेक्ट्स खा जाएंगे। तो एक तो ये नेचुरल मीन्स है, उससे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आर्सेनिक इंसेक्टिसाइड, बहुत से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, BHC है, एंड्रीन, डाईएल्ड्रिन, हेप्टक्लोर, मिथॉक्सीक्लोर, ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इनको किल कर सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे मलस्का में, पाइला या एप्पल स्नेल। यहाँ